नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यूपी में ठंड की आहट के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी चिंता पैदा कर रहा है। प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ गया है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे इलाकों के साथ ही कई शहरों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI हानिकारक स्तर पर पहुंच गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शहरों को ये हुआ क्या, हर तरफ बस धुआं ही धुआं, सांसों पर धुएं का कब्जा, जहरीली हवा बनी जान की दुश्मन। ये धुंधली सी दिख रही तस्वीरें ना तो खराब कैमरे से ली गई हैं, ना ही आपकी आंखें खराब हैं और ना ही ये गुलाबी ठंड की दस्तक का परिणाम है, बल्कि ये तो सूबे के ताजा हालात हैं। इस वक्त मौसम की करवट का असर उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा है। ठंड की आहट के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी चिंता पैदा कर रहा है। प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ गया है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे इलाकों के साथ ही लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे शहरों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI हानिकारक स्तर पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति सबसे खराब है। इसके अलावा आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर की हवा भी जहरीली बन गई है। राजधानी लखनऊ में शनिवार की सुबह धुंध की स्थिति रही, यहाँ AQI 320 के हानिकारक स्तर पर पहुंच गया। वहीं गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में 296 AQI लेवल रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली से सटे नोएडा में तो शनिवार को AQI 772 के गंभीर स्तर पर दर्ज किया गया। वहीं गाजियाबाद भी पिछले कुछ दिनों से गैस चैम्बर बना हुआ है। दिवाली के बाद गाजियाबाद का AQI लेवल 999 के खतरनाक स्तर के पार चला गया था। शनिवार को भी कोहरे के बीच वायु गुणवत्ता खराब स्तर पर रही। घने कोहरे की परत के बीच मुरादाबाद में भी प्रदूषण का स्तर हानिकारक रहा। यही हाल औद्योगिक नगरी कानपुर में भी देखने को मिला। बता दें कि कानपुर का AQI 314 दर्ज किया गया। वहीं प्रयागराज की बात करें तो यहां पर कोहरे के बीच AQI का लेवल 308 रिकॉर्ड किया गया। हालांकि वाराणसी की हवाओं में कुछ सुधार हुआ है, यहाँ शनिवार को AQI 250 के लेवल पर दिखाई दिया। वहीं बात करें देश की राजधानी की तो दिल्ली NCR की बिगड़ी आबो हवा सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने बच्चे, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। शनिवार को दिल्ली की हवा का औसत AQI 499 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक लाल किला और जामा मस्जिद धुएं से सराबोर हो गए। शनिवार को हवा और भी जहरीली होती दिखाई दी है। हालात में सुधार नहीं होते दिख रहे हैं। उधर CPCB ने प्रदूषण से बचने के उपायों को लेकर जानकारी भी साझा की है। जिन लोगों को खांसने, नाक बहने या फिर छाती में दर्द, भारीपन इत्यादि की शिकायत हो रही है तो इन्हें तत्काल चिकित्सकीय परामर्श के साथ घर में ही आराम करने की सलाह दी गई है। हालात को देखते हुए माना जा रहा है कि दिल्ली NCR में बच्चों के स्कूल बंद होने की एडवाइजरी जल्द ही जारी हो सकती है। इस तरह बच्चों की एक बार फिर से पूरी तरह ऑनलाइन पढ़ाई होगी।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आकलन है कि 18 नवंबर तक हालात सुधरने के आसार नहीं है। मौसमी दशाएं भी इसी तरह बनी रहेंगी। रात में हवाएं पूरी तरह शांत रहेंगी। सरकारी और निजी दफ्तरों में CPCB की सलाह है कि 30% तक वाहनों का इस्तेमाल कम किया जाए। वर्क फ्रॉम होम के साथ कार पूलिंग को भी बढ़ावा दिया जाए। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपना लिया है। शनिवार को प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान CGI ने कहा कि राज्यों को कड़े कदम उठाने होंगे, मीटिंग कर तत्काल इमरजेंसी स्टेप भी उठाएं, किसानों पर ठीकरा फोड़ना बंद करें, 2 दिन के लॉकडाउन पर विचार करें। CGI ने कहा कि ताजा हालातों की वजह से घर में भी इस वक्त मास्क लगाना पड़ रहा है, जबकि सरकारें इस मुद्दे पर मौन बनी हुई हैं। सरकारों को 2 दिनों के लिए लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पराली जलाने के अलावा दिल्ली में इंडस्ट्रीज पटाखे और डस्ट प्रदूषण के कारण है। 2 दिनों का लॉकडाउन भी उपाय हो सकता है। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वायु प्रदूषण की वजह से बने आपातकालीन हालात से निपटने के क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, इसके बारे में सोमवार को जानकारी दी जाए। अगली सुनवाई उसी दिन होगी। बता दें कि प्रदूषण की वजह से लोगों को न केवल सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बल्कि उनकी आंखों में भी जलन हो रही है। साथ ही साथ खांसी की भी समस्या लोगों में देखने को इस वक्त मिल रही है। हालांकि कुछ सप्ताह में यह स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन इसकी वजह से फेफड़ों को नुकसान हो सकता है और उन लोगों को भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है जिन्हें ये दिक्कत पहले नहीं थी। वहीं अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा की समस्या है तो उसकी वजह से उनका अस्थमा ट्रिगर हो सकता है या इसकी वजह से उनकी स्थिति अधिक गंभीर हो सकती है। ऐसे में अस्थमा के मरीजों को इन दिनों कुछ खास उपायों को अपनाना चाहिए ताकि वह स्वस्थ रह सके। घर में बढ़ते एहतियात। घर में भोजन बनाते समय अगर वायु को बाहर निकलने की जगह ना मिले तो इससे प्रदूषण बढ़ने लगता है। ऐसे में ध्यान रखें कि घर में प्रदूषण का स्तर ना बढ़े। इसके लिए आप इंडोर प्लांट्स का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि जब बाहर प्रदूषण का स्तर अधिक हो उस समय घर के दरवाजे और खिड़कियां दोनों ही बंद रखें, जरूरी हो तभी बाहर निकले। बाहर निकलने से पहले इस बात का खास ख्याल रखें कि वायु में प्रदूषण का स्तर क्या है। वहीं अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो बाहर बिल्कुल ना निकलें। कोशिश करें कि आपके सभी काम घर में ही हो जाएं। इसके अलावा बाहर भी केवल समय और प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखकर ही निकलें। घर में ही एक्सरसाइज करें। जरूर पहने अपना मास्क। कोरोना के दौरान हमने एक आदत बना ली है और वह है मास्क पहनने की आदत। दिवाली के बाद प्रदूषण के छोटे छोटे कणों से खुद को बचाएं। बचाव के लिए हम मास्क का पालन कर सकते हैं। जब भी आप बाहर निकले याद से N95 मास्क अच्छी तरह से लगा लें। इसके जरिए प्रदूषण के कण आपके फेफड़ों तक प्रवेश नहीं कर पाएंगे और आपको खांसी और सांस फूलने जैसी समस्याएं नहीं होंगी। साथ ही आपको फ्लू और कोविड से भी बचा कर रखेंगे। डाइट का रखें खास ख्याल। भोजन हमारे स्वस्थ जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं फेफड़ों का ख्याल रखने और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको कुछ खास चीजों को अपनी डाइट में इस्तेमाल करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आप अखरोट, ऑलिव, चेरीज, हल्दी आदि का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हल्दी वाला दूध, शहद, गुड़ आदि को भी आप आजमा सकते हैं। स्टीम का सहारा लें। स्टीम का उपाय सदियों से ही रेस्पिरेटरी समस्याओं से राहत पाने के लिए अपनाया जाता है। आप भी इसे आजमा सकते हैं। आपको बता दें कि जब आप स्टीम लेते हैं तो इसके जरिए गर्म हवा फेफड़ों तक जाती है, जो बलगम को पतला करती है और नाक को खोलती है, जिससे फेफड़े और गले को प्रदूषण के कणों से राहत मिलती है। अगर आप रोजाना बाहर जाते हैं तो कम से कम दिन में 2 बार स्टीम लें। इस बार भी ठंड की शुरुआत के साथ ही इन जहरीली हवाओं ने लोगों का जीना फिर से मुश्किल कर दिया है। कई शहरों का प्रदूषण अभी से खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है और फौरन इस परेशानी को कम करने के लिए कुछ ज्यादा रास्ते तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या लॉकडाउन इस जहरीले प्रदूषण को कम करने का सॉल्यूशन बन सकता है? लेकिन इसी तरीके से हम अपने लोगों को कितने दिन तक
दम घोटने वाले प्रदूषण से बचा सकते हैं, ये भी अपने आप में विचार करने वाली बात है। प्राइम टीवी के लिए अनुष्का सिंह की रिपोर्ट। जहां एक तरफ प्रदूषण कई परेशानियों की वजह बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 16 नवंबर को आमजन के लिए शुरू हो जाएगा और सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार प्रदेश के नागरिकों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में तोहफा देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर ट्रायल के लिए लड़ाकू विमानों की रिहर्सल जारी है और अगले 4 दिन तक भारतीय वायुसेना के परवाज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ करेंगे। ऐसे में पूर्वांचलियों को लड़ाकू विमानों की खूब गर्जना सुनाई देगी। बताया ये भी जा रहा है कि टच एंड गो ऑपरेशन के तहत विमान उतरते ही उड़ेंगे। सीएम योगी ने भी सुल्तानपुर पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। सीएम ने इस दौरान सभा स्थल, एयर स्ट्रिप और पीएम के आगमन के रूट की समीक्षा भी की। इसके अलावा अफसरों को भी सभी इंतजाम 14 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लोकार्पण 16 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। जुलाई 2018 में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ था। अब यह अवसर आया है जब इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को 19 महीनों के कोरोना की महामारी के बावजूद पूरा करने में मदद मिली है। एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जानी जाएगी। सरकार को इस एक्सप्रेसवे के जरिए टोल के रूप में 202 करोड़ रुपए सालाना मिलेगा। फिलहाल 14 दिन यानी 30 नवंबर तक एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। 1 दिसंबर से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की निर्धारित लगभग 2.5 से 3 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से टोल टैक्स देना होगा। ये एक्सप्रेस 3,40,824 किलोमीटर लंबा है, जो कि लखनऊ से शुरू होकर पूर्वी यूपी के गाजीपुर में समाप्त होता है। ये राज्य के 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से निकलेगा। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है और 300 किलोमीटर की यात्रा केवल 3.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। साथ ही राज्य के महत्वपूर्ण जिलों वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर और इलाहाबाद को लिंक रोड के जरिए आपस में जोड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लागत 22,494 करोड़ रुपए है, जिसमें अधिग्रहित भूमि की कीमत भी शामिल है। इस नव निर्मित एक्सप्रेसवे पर फिलहाल रोजाना 15 से 20 हजार वाहन गुजरेंगे।
एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ से गाजीपुर तक 340 किलोमीटर का सफर करीब 3.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। सरकार को इस एक्सप्रेसवे के जरिए टोल के रूप में 202 करोड़ रुपए सालाना मिलेगा। फिलहाल 14 दिन यानी 30 नवंबर तक एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। 1 दिसंबर से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की निर्धारित लगभग 2.5 से 3 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से टोल टैक्स देना होगा। इसके साथ ही टोल के जरिए यूपीडा की आमदनी भी बढ़ेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे के कंपोजिट विद्यालय सुल्तानपुर, गोकुलपुरा, रानीपुरा, कुशमौर एवं कंपोजिट विद्यालय फतेहपुर आदि 10 कंपोजिट विद्यालयों का कायाकल्प भी किया जाएगा। ये विद्यालय पूरी तरह से स्मार्ट स्कूल के रूप में तब्दील हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी प्रधानाचार्यों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। विद्यालयों के कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर भी लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि योगी सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे पेश करना चाहती है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से राज्य में पूर्वांचल का राजधानी लखनऊ से सड़क संपर्क बेहतर हो जाएगा। जहां एक तरफ योगी सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इतनी बड़ी सौगात दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार निशाने पर है। चुनावों के नजदीक आते ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सीएम योगी हर सभाओं में यूपी पुलिस और इसके दुरुस्त कानून व्यवस्था के दावे करते रहते हैं, लेकिन कासगंज मामले ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जेल में हुई संदिग्ध मौत को सुसाइड बताकर पेश की गई थ्योरी पर यूपी पुलिस कटघरे में खड़ी नजर आ रही है, लेकिन अब कैदी की मौत मामला तूल पकड़ता जा रहा है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, देखिए प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में। सरकारें कैसे चलती हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी, ये सरकार बता के दिखाएगी कि वास्तव में सरकार का स्वरूप क्या होना चाहिए, जनता के प्रति उसका लगाव कैसे होना चाहिए, आम जन के प्रति उसका संवाद कैसे होना चाहिए। हम इस बात के लिए संकल्पित हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, जनता के प्रति संवेदनशील प्रशासन होगा, गुंडा राज पूरी तरह समाप्त होगा और अराजकता के इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा। अब ये नहीं होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक मिथक बन चुका था उत्तर प्रदेश के लिए कि जहां से आप रात्रि में जाएं अंधेरा प्रारंभ होगा वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां से सड़कें टूटी हुई मिले वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां पर कोई सुरक्षित नहीं हो उत्तर प्रदेश होगा। हम इस मिथक को तोड़ेंगे, जहां पर 24 घंटे बिजली होगी वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां की सड़कें गड्ढा मुक्त हो वह उत्तर प्रदेश होगा और जहां कानून का राज होगा वह उत्तर प्रदेश होगा। ये बात है 2017 की, जब सीएम योगी यूपी चुनाव में जीत के बाद खराब कानून व्यवस्था के विरोध में हुंकार भर रहे थे। उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था कि यूपी में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था को बदल कर रख दिया जाएगा। वादे के अनुसार सरकार ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास भी किया, पर उसके बाद एनकाउंटर पर एनकाउंटर होना, गाड़ियों का पलटना और लगातार पुलिस की कस्टडी में मौतें होना अब यूपी सरकार को कटघरे में ले आई है। एक के बाद एक ऐसे तमाम मामले सामने आए जिसके बाद पुलिस का गुंडा राज साफ तौर पर दिखाई दिया। अभी हाल ही में जय भीम नाम की एक फिल्म रिलीज की गई है। फिल्म को दर्शकों की तरफ से अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, पर इस फिल्म की यह खास बात है कि फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, जहां पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत हो जाती है, जिसके बाद पीड़ित परिवार के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी जाती है। फिल्म को देखने के बाद से लगातार पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े हो ही रहे थे कि अब कासगंज से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। ये फिल्म की कहानी नहीं, एक सच्ची वारदात है।
जिसमें कासगंज की हत्यारे पुलिस की काली करतूत उजागर हुई है, पर इस बार पुलिस ने हद ही कर दी। कहा गया कि आरोपी ने टॉयलेट में लगे प्लास्टिक की टोटी से लटक कर फांसी लगा ली। पूरा मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कासगंज में 9 नवंबर का बताया जा रहा है। कासगंज के सदर कोतवाली के लॉकअप में एक युवक द्वारा आत्महत्या करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। युवक की मौत की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आनंद फानन में उसे पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार एक लापता लड़की के संबंध में पूछताछ करने के लिए पुलिस ने 8 नवंबर देर शाम युवक को उसके घर से पकड़ लिया था। मृत युवक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसकी हत्या कर दी। मृत युवक कासगंज कोतवाली क्षेत्र के अहरौली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम अल्ताफ पुत्र चाहत मियां है। लॉकअप में युवक की मौत का मामला सामने आते ही पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस लॉकअप में मृत युवक अल्ताफ के पिता चाहत मियां ने आरोप लगाया कि एक लापता लड़की के संबंध में कासगंज पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस कर्मियों ने 8 नवंबर देर शाम के आसपास उसके बेटे को पूछताछ के लिए पकड़ा था। 22 घंटे बाद 9 नवंबर को शाम 6 बजे के आसपास उन्हें निजी सूत्रों से ये जानकारी मिली कि पुलिस लॉकअप में उनके बेटे की मौत हो गई है। मृत अल्ताफ के पिता चाहत ने कासगंज पुलिस पर लॉकअप के अंदर अपने बेटी को फांसी देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। आज 24 घंटे के बाद में जे मालूम पड़ रही है, मुझे फांसी लगा दी मेरे बच्ची को। अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मैं तुम्हें ये तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने लगाई। वहीं इस पूरे मामले में अचानक मोड़ तब आ गया जब कुछ वक्त बाद मृतक अल्ताफ के पिता का एक और बयान सामने आया, जहां उन्होंने पुलिस के बयान पर सहमति जता दी। चांदनिया नाम है मेरा, मैंने जब गुस्से में बोल दिया था मीडिया वालों को, मुझे मालूम हुआ, मैंने डॉक्टरों से मालूम बात करी, उन्होंने बताया कि आपके बच्चे ने फांसी लगा दी है। उसको देखने के बावजूद भी मैंने उन्होंने मेरे साथ में पुलिस वालों ने लाए, इलाज भी कराया, वो आखिर तक नहीं बचा, उन्होंने मेरे साथ में अच्छा भी बताओ। अपने बयान में अल्ताफ के पिता ने कहा कि डॉक्टरों की बात होने के बाद ये साफ हो गया है कि मेरे बच्चे ने फांसी लगाई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कासगंज एसपी रोहन पी बोत्रे का बयान भी सामने आया, जिसने सबको चौंका कर रख दिया। एसपी ने बताया कि अभियुक्त अल्ताफ पुत्र चाहत 9 नवंबर को सुबह पूछताछ के लिए कासगंज पुलिस स्टेशन लाए गए थे। अल्ताफ ने टॉयलेट के अंदर अपने हुडी में लगी डोरी से अपना गला कस लिया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने डोरी काट कर उसे उपचार के लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद कासगंज एसपी रोहन पी बोत्रे ने आनंद फानन में सदर कोतवाल समेत 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। पर इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका को लेकर कुछ सवाल है, जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। पहला सवाल, 2.5 फीट के पाइप से लटक कर 5 फीट का आदमी कैसे मर सकता है? पुलिस अल्ताफ की आत्महत्या की बात कह रही है। हालांकि पुलिस के इस दावे के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि 2.5 फीट के पाइप से लटक कर 5 फीट का आदमी कैसे आत्महत्या कर सकता है। ऊपर से जिस पाइप और टोटी से लटक कर युवक की आत्महत्या का दावा किया गया है, क्या वो इतनी मजबूत है कि किसी ठीक ठाक वजन वाले शख्स का भार सह पाए? दूसरा सवाल, लॉकअप के बाथरूम में लगी टोटी घटना के समय टूटी नजर आ रही है, लेकिन बाद में वह टोटी अपने स्थान पर कैसे पहुंची? मामले में क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की आशंका भी जताई जा रही है। घटना के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें युवक की मौत के बाद पाइप की टोटी टूटी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बाद में यह टोटी सही सलामत नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी बड़ी घटना हुई हो तो क्राइम सीन को सील क्यों नहीं किया गया? इस तरह सबूतों के साथ छेड़छाड़ आखिर क्यों की गई?
तीसरा सवाल, पुलिस और परिवार के बयान मैच क्यों नहीं हो रहे। कासगंज वाली घटना में पुलिस का कहना है कि अल्ताफ को सुबह थाने लाया गया था, जबकि उनके परिजनों का कहना है कि पुलिस उसे रात में उठाकर ले गई थी। पीड़ित के परिवार और पुलिस के बयान में भी कहीं न कहीं फर्क इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रहा है। चौथा सवाल, मृतक अल्ताफ के पिता ने क्यों बदला बयान। घटना के बाद मंगलवार यानी 9 नवंबर को एक वीडियो सामने आया, जिसमें मृतक के पिता चाहत मियां पुलिस पर तमाम तरह के आरोप लगाते दिख रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर हत्या का भी आरोप लगाया था, लेकिन बुधवार को एक नया वीडियो सामने आया जिसमें वह पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, साथ ही अपने बेटे की आत्महत्या की बात को भी मान रहे हैं। हालांकि मृतक की मां व अन्य परिजन आरोप लगा रहे हैं कि मृतक के पिता से पुलिस ने दबाव में वीडियो बनवाया है। ऐसे में सवाल है कि क्या पुलिस के दबाव की वजह से चाहत मियां ने अपना बयान बदला। पांचवा सवाल, लड़की के अपहरण के जिस मामले में पुलिस अल्ताफ को थाने लाई थी, उसमें उसके खिलाफ क्या साक्ष्य थे। परिवार का कहना है कि लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस अल्ताफ को उठाकर ले गई थी। अगर लड़की के अपहरण का मामला था तो पुलिस के पास अल्ताफ के खिलाफ क्या सबूत थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लड़की के पिता को युवक पर शक था। हालांकि पुलिस यह नहीं बता पाई है कि लड़की के गायब होने में मृतक की कोई संलिप्तता थी या नहीं। वहीं अल्ताफ की मौत पर अब सियासी मुद्दा ढूंढते हुए तमाम विपक्षी दलों का कारवा अब कासगंज पहुंच रहा है। योगी सरकार से लेकर पुलिस सब विपक्ष के इस वक्त निशाने पर आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल कासगंज में अल्ताफ के परिवार से मिलने पहुंचा। तो आपके यहाँ पर अभी किस किस पार्टी के नेता आए हैं? अभी बहुत पार्टी के आए, MI के भी आए, कांग्रेस के भी आए और समाजवादी पार्टी के भी आए हैं। और समाजवादी पार्टी के मुखिया जी श्रीमान अखिलेश यादव जी ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इनके जरिए ये सावर की चेयरमैन जायदा सुल्तान जी और जी हफीज गांधी सर जी, इनके संकर में इनके जरिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वही सलमान खुर्शीद की अगुवाई में 6 सदस्यों वाला कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। वहीं बात करें तो BSP और आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार की चौतरफा घेराबंदी कर रही है। अल्ताफ की मौत पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस गरीबों, मजलूमों और समाज के कमजोर लोगों पर लगातार हमले करने का प्रयास कर रही है। आंकड़ों के अनुसार पुलिस हिरासत में जो सबसे अधिक मौत होती है उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना उत्तर प्रदेश में हुई है, जिसमें कासगंज कोतवाली में 22 वर्षीय युवक अल्ताफ की मौत हो जाती है। पुलिस का तर्क है कि अल्ताफ ने मात्र 2 फीट ऊंचे नल पर चढ़कर अपनी जान दे दी, जो कि पूरी तरह से असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि पुलिस की मौजूदगी में अल्ताफ की हत्या हुई है। महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। इन मजलूमों, कमजोरों और बेसहारा लोगों पर जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस द्वारा हमला किया जा रहा है, उनकी जान ली जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता इस इंसाफ की लड़ाई को लड़ने में सहयोग करे और ताकत दे। धन्यवाद। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़ा किया। आखिर 5 फुट 6 इंच लंबे अल्ताफ ने 2 फीट की ऊंची नल की टोटी से कैसे फांसी लगा ली। कासगंज में पूछताछ के लिए लाए गए युवक के थाने के मौत का मामला संदेह में है। कुछ पुलिस वालों का निलंबन सिर्फ दिखावटी कार्रवाई है, न्यायिक जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए। वहीं इस मामले में BSP भी हमलावर हो चुकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मांग की कि सरकार घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाए। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर है, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं।
बहरहाल चुनाव से पहले इस वक्त विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बेहतरीन मौका मिल गया है। पर अगर राजनीति से हटकर सोचा जाए तो इस वक्त यूपी की कानून व्यवस्था अपने आप में एक गंभीर विषय है। सूबे में जहां प्रशासन पर विश्वास दिखाते हुए डंके की चोट पर सरकार अच्छी कानून व्यवस्था की बात कह रही है, वहीं उसके उलट पुलिस का गुंडा राज भी लगातार इस वक्त देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जनता आखिर किस प्रकार से खुद को सुरक्षित महसूस करेगी अगर कानून के रक्षक ही अब भक्षक बन जाएंगे। प्राइम टीवी के लिए अनुष्का सिंह की रिपोर्ट। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।